Who is the best? कौन है ऐसे लोग जो खुद के साथ साथ लाखों लोगों की लाइफ भी चेंज कर चुके हैं। आज आपको ऐसे ही चार महान मोटिवेशनल लोगों के मोटिवेशनल लाइन बताएंगे जिनको सुनकर आप भी खुद को चेंज कर सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो चार महान मोटिवेशनल कौन है। पहले नंबर पे हैं संदीप महेश्वरी जी, दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तीसरे नंबर पे हैं जया किशोरी जी और चौथे नंबर पे हैं सोनू शर्मा। अगर आप भी चाहते हो कि आपको पूरी दुनिया पहचाने तो इनकी बातें ध्यान से सुनो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इंस्पिरेशन कौन है और आपको कौन सी मोटिवेशनल लाइन सबसे अच्छी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं, जब भी आपको लोग बोलने लगे कि आप पागल हो गए हो तो समझ जाना आप सही रास्ते पर हो। दर्द को सहना पड़ता है, दुखों को सहना नहीं पड़ता, दुखों को सिर्फ समझना पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा तो एक बार आईने में जरूर देख लेना। पैसा उतना ही जरूरी है जितना कार में पेट्रोल, न कम न ज्यादा। जो मन करे करो खुल के, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचना 100% असफलता दिलाता है। जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है। कोई भी किसी से कम नहीं है, जैसा वो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन जाता है। सच कहूँ तो मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि आई एम द ग्रेट। अब चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, अगर फ्रूट चाहिए तो पहले रूट ठीक करो। यदि आप खुद के मदद के लिए तैयार हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जुनून वो चीज़ है जिसके लिए आपको तनख्वाह न दी जाए फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हो। सपने देखने वालों के लिए रात भी छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वाले लोग के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जिनके जीवन में गोल होता है, दूसरा वो जिनका पूरा जीवन ही गोल गोल होता है। सबसे बड़े लीडर की सबसे बड़ी सक्सेस मंत्र यह है कि वो हमेशा ग्रेट स्टोरी के रूप में बातें रखता है। मेंटल डाइट प्लान पहले बनाएं, फिजिकल डाइट प्लान बाद में। मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं उससे सीखता हूँ। आप परिस्थिति को दोष देते हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं लाते। अब चलते हैं जया किशोरी की तरफ। जया किशोरी जी बोलती हैं, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किसी ने कहा है, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, पर मैं कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, धरती पे ही स्वर्ग मिलेगा आपको। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। मनुष्य तब तक नए महासागरों की खोज नहीं कर सकता जब तक कि उसे अपना किनारा छोड़ने की हिम्मत ना हो। एक कहावत है, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कल किसने देखा है, बस अपने आज में खुश रहो। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, पर दोस्ती एक ऐसा मात्र रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। राधा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। अब देखते हैं सोनू शर्मा क्या कहते हैं। ऊंचाई पर उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है, यकीन ना हो तो हवाई जहाज को ही देख लो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जब कभी जिंदगी में किसी चीज का जवाब नहीं मिले तब अपने दिल से पूछें। अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा? तपना तो पड़ेगा,
अगर सफल होना है तो तपना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास उससे ही याद रखता है। समय है बदल जाओ, खुद बदलोगे तो अच्छा होगा। अगर समय ने आपको बदला तो बहुत तकलीफ होगी। दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वो है जिसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई उत्साह ही नहीं है। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है।